यन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मैथ में प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ यूपीपी के लिए, जिनमें से आपके लिए हमने 3 भाग करा चुके हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस 4 कराने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके परीक्षा के लिए सबसे बड़ा उपयोगी होगा। ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं यूपीपी के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त लेके आए हैं। समझो कि ये प्रचंड प्रचंड आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। प्रचंड प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। सभी लोग इसको देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सभी लोग ध्यान से इसको करो, ठीक है। सभी लोग उसको ध्यान से करो। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सभी लोग इसको ध्यान से करो, ठीक है। सरलीकरण का क्वेश्चन है, सभी लोग करो इसको। देखिए इसमें, देखिए एक फंडा है कि जहाँ प्लस माइनस दे उसको उतना अलगे अलगे करके हल करो, ठीक है। बोडमांस के नियम से इसको लगाना है, ठीक है। बोडमांस के नियम से लगाना है इसको, बोडमांस के नियम, बोडमांस के नियम से इसको लगाना है, ठीक है। बोडमांस के नियम, देखिए जहाँ कहाँ कहाँ प्लस दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ एक साथ हल करेंगे, यहाँ से एक साथ हल करेंगे, ये पूरा यहाँ से एक साथ हल करेंगे, ये पूरा एक साथ हल करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ गुणा दिया है तो गुणा करेंगे कितना जाएगा, ना 4 हो जाएगा, 4 लिख दो। प्लस दिया है इसका कितना है, 4 चौका 16, प्लस ये हो जाएगा। देखिए का को आगे खड़ा करेंगे सब, यहाँ गुणा दिया सब गुणा, 36 का 18, 18 दूना 36 लिख दो। माइनस, और इसका देखो यहाँ से ये यहाँ से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। 5 2 7, ठीक है। -7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हल कर दो सभी लोग, 16 4 20 हो गया, प्लस 36 − 49 हो गया। सबको जोड़ो, ये इसको आगे जोड़ दो, जोड़ें कितना जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 56 56 − 49, घटा देंगे कितना जाएगा मेरा, कितना जाएगा आपका, सभी लोग घटा के बताओ कितना जाएगा आपका, 7। इनमें से आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ये 7। आने पर आंसर कितना आ गया मेरा, 7। इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, विकल्प कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा मेरा, B नंबर, ठीक है। ये इसी टाइप से हल करना है इसको सभी को, ठीक है। जहाँ प्लस माइनस दिया तुरंत उसको अलग ही कर दीजिए, ठीक है। उतना ये ना कि सबको लिखते एक साथ हल करें, ठीक है। अलग अलग कहीं करेंगे तो हल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए परसेंटेज का सवाल है, सभी लोग इसको करके बताओ, सभी लोग इतना समझो कि झक्कास क्वेश्चन है एकदम, सभी लोग करके बताओ इसको, ध्यान से पढ़ो सभी लोग। दूसरा है ये आपका सेट, क्वेश्चन नंबर 2 2 है, देखो ये सभी लोग। कह रहा कि 2000 रुपये का 5% का 5% का मतलब होता है क्या, गुणा। परसेंटेज मतलब होता क्या होता है, 100% दिया तो हर में क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो ये क्या दिया है आपका, 2000, 2000 लिखो, का मतलब होता है गुणा, 5% 5/100 लिखो, गुणे कितना, 5/100, जहां जहां से कटे उसको काट दो। 00 कटा, यहाँ से कट गया, ठीक है। ये 20 पंजे, तो ये कट गया 5 बेरी में, 5 5 ये काट दो, कितना बच गया आपका, 5 हल हो गया, ठीक है। कितना आंसर आया मेरा, 5, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपका यूपीपी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अन्य परीक्षा में भी देखने को मिलेगा, ये समझ लो। मैथ है, मैथ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। टाइप तो वही रहेगा, गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब हो सकता है, ठीक है। जो नियम कानून है वो नियम कानून जानते रहेंगे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनसे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीन नंबर देखो ध्यान से सभी लोग पढ़ो। लॉ सर से क्वेश्चन आया है ये, ठीक है सभी लोग ध्यान से पढ़ो और करो इसको, इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, आगे करो इसको। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को देखो और उसको पोज करो, ठीक है पोज करके उसको ध्यान से अपने लगा करके फिर आगे बढ़ो और हमारे साथ लगाओ लगाओ जिसको नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे हैं उसी टाइप से करेंगे। मैथ है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा, ठीक है। इन आई के बेड पर बैठ गए हैं उसको तो कैसे देखें, देखने से नहीं आएगा, ठीक है वो आपको सुला देगा। जितना बैठ के पढ़ोगे उतना अच्छा आएगा आपको, ठीक है। कापी किताब लेकर उसको लगाइए। देखिए कह रहा है दो संख्याओं, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लॉस, उनका लॉस, उनका लॉस लॉस 180 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सा है, लिखित कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, ठीक है। सभी लोग उसको ध्यान से करो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, ठीक है, और लॉस कितना दिया है 180 दिया है, ठीक है लॉस दिया है 180। तो सभी लोग लगाओ, सभी लोग उसको करो। देखिए एक फार्मूला क्या होता है आपका लॉस और लॉस और मॉस का गुणन, देखिए एक होता है लॉस गुणे मॉस बराबर मेरा क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, होता है कि नहीं, इसको इसी पे करो। देखिए लॉस कितना दिया है आपका 180 दिया है और मॉस हमको पता नहीं है, बराबर क्या दिया है आपका दोनों का गुणनफल कितना दिया है, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया मेरा 2160 दिया है, ठीक है। और इसमें से देखिए कुछ कट रहा है आपके, 0 0 काट दें हम, ठीक है, और इसको भी काट दें हम, 6 से काट दें हम, 6 3 18 और 6 से काट देंगे तो ये 36 बार में, और ये 6 से काट रहे हैं तो ये 6 बार में, ये काट देंगे कितनी बार में आपका 12 बार, मतलब मेरा मॉस कितना आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है मॉस कितना आ गया मेरा 12 आ गया। इसके आगे हल करो सभी लोग,
और इसके आगे सभी लोग हल करो। हो गया, चलिए इसके आगे हल करो सभी लोग। तो वे संख्याएं पूछा है, संख्या पूछा है। देखिए ल स और म स का गुणनफल क्या होता है, जैसे ये समझो कि कौन कौन संख्या है आपका, ठीक है, इसको हल कर दो आप। ल स गुणे म स होता है कि नहीं। अब इसमें देखो ल स के अंदर म स होता है आपका, मतलब ल स का खंड, ये ल स कितना दिया है आपका 180 दिया है और म स कितना आया है मेरा 12, इसका खंड कर दे। म स के अंदर क्या होता है, ये 180 को हम क्या ले सकते हैं 12, ये इसको हम क्या ले सकते हैं 6 6 के 36, 36 गुणे 5 गुणे 12, ये म स है आपका, ये इसको हम क्या सकते हैं, इसका म स के अंदर आपका ये संख्या होती है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 5 ये 12 दिया है, ऐसा खंड बना दो, ठीक है। कुछ बन रहा है आपका, देखिए एक ऐसा सवाल कौन सा हो सकता है आपका, ये 6 गुणे 6 ये हो सकता है, और ये इसका 900, 12 5 60, एक ही इसका इसमें गुणा कर दें हम, और 12 3 36 ये हो जाएगा, गुणा कर दो सब। देखिए लॉ, ये संख्या है, लॉ सो के अंदर मौ सो आता है, ठीक है, आता है कि नहीं आपका, ऐसा खंड कर दो, ठीक है। इसका देखिए हम इसको हम क्या ले सकते हैं, तो देखिए हम क्या ले सकते हैं 12, देखिए इसके अंदर ये 12 है और ये 15 हो जाएगा कि नहीं, 12 15 गुणा होता है कि नहीं, इसके अंदर देखिए ये इसका तो मौ सो हो गया, इसको हम क्या ले सकीला 3 गुणे 5 लिख सकीला, ले सकीला कि नहीं 3 गुणे 5, और इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, 12 3 36 और 12 5 60, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये पता है कि आपका 180 दिया है, 180 का खंड कर देंगे आप, 180 का खंड कर देंगे, 180 का खंड करेंगे क्या आएगा 12 गुणे 15 आएगा, ये तो मौस है, मौस के अंदर क्या होगा आपके 3 और 5 ही होगा, लसो के अंदर आपको मौसा होता है, इसका इसे इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 36 और 60, ये हो जाएगा, इनमें से मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ऐसे ही लगाना है इसको, थोड़ा सोचना है तभी आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिस्त्रल का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी लोग करके दिखाओ इसको, सभी लोग इसको पढ़ो ध्यान से, इसके लिए हम ऑफलाइन बैच बताए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन से, बहुत अच्छा नियम से, तो सभी लोग करके बताओ। देखिए कह रहा है कि चौथा नंबर देखो, कह रहा है एक बर्तन में ए और बी दो द्रव पदार्थ 4 संबंधे 1 के अनुपात में उस घोल में से 10 लीटर निकालने के बाद, 10 लीटर घोल में से निकालने के बाद उतना ही द्रव बी में भर दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 2 संबंधित 3 हो गया, उस बर्तन आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितने लीटर थी, ठीक है, ये पूछा है। जब किसी मिश्रण, देखिए मिश्रण मेरा कितना दिया है शुरुआत में, ए और बी का अनुपात, ए और बी कितना दिया था आपका 4 संबंधित 1 दिया था, ठीक है, कह रहा है कि उसमें से 10 लीटर निकालने के बाद बी में मिला दे रहा है,
ठीक है, तो अनुपात क्या हो जा रहा है आपका, 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए जब भी मिश्रण निकलेगा उसी अनुपात में निकलेगा और उसी अनुपात में बचा रहेगा। ठीक है, और लेकिन बी में मिला रहा तो जो ए जितना था उतना ही रहना चाहिए, इसमें ए में उतना ही रहना चाहिए, लेकिन अनुपात चेंज हो गया। ठीक है, बी में मिला रहा तो अनुपात चेंज हो रहा है कि नहीं, बी में 10 लीटर मिलाया तो इसका अनुपात चेंज हो गया, मतलब जो मिश्रण निकला है आप में से कितना निकला है आपका, 10 लीटर निकला है, तो उसी अनुपात में निकलेगा और उसी अनुपात में वह मिश्रण बचा भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ चेंज हो जा रहा है तो क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करें, 2 का गुणा कर दें, तो रेशियो आपको बराबर हो जाएगा कि नहीं। चलो ये कितना हो गया, 4:1 और ये 4:6 हो गया, तो इसमें बी में कितना मिलाया, 5 मिला रहा, तो ये किसके बराबर है, 10 लीटर के बराबर है कि नहीं है, और ये एक एक बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो गया, यहाँ से काट दो, काटने कितना गया, 2, तो एक बराबर इसका यहाँ गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 4 दूना 8 लीटर, 4 दूना 8 लीटर, मतलब निकलने के बाद, निकलने के बाद, निकलने के बाद एक की मात्रा आया, मात्रा कितना आ गया आपका, 8 लीटर, कितना आ गया, 8 लीटर। ठीक है, ये 8 लीटर आ गया, और कह रहा है कि इसकी प्रारंभिक मात्रा जो निकला है 10 लीटर, तो वो किस अनुपात में निकला होगा, आपके 4:1 के अनुपात निकला होगा कि नहीं, उसी अनुपात में इसको बांटना है, 4:1 के अनुपात में। ठीक है, 10 लीटर को बटा बांट दो, 10 लीटर कितना निकलेगा, 10/अनुपाती योग करेंगे, 4 1 5, जिसका पूछे ए की मात्रा पूछा, 4 कर दो, ठीक है, 5 2 9 10 कितना आ गया, 4 2 9 8, 8 लीटर। ठीक है, ये निकलने से पहले की मात्रा है, निकलने से पहले की मात्रा 8 लीटर जो निकला, सॉरी ये जो निकलने की मात्रा है, लिख दो निकलने की मात्रा। ठीक है, तो ए की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, कि प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, ए की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, ए की प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ए की मात्रा, ये निकलने की बाद की मात्रा कितना है, 8 लीटर, ये जोड़ दो, और निकलने से जो निकला है 8, जो निकला है कितना निकला है, 10 लीटर, इसमें कितना ये निकला है, ए की मात्रा 8 लीटर निकला है, उसको भी जोड़ दें हम तो कितना निकला है, 16। निकलने से पहले की मात्रा, निकलने से पहले ए की मात्रा कितना है आपका, 16 लीटर है। ठीक है, 16 लीटर है। ठीक है, ए की प्रारंभिक मात्रा कितना आ गया आपका, ए की प्रारंभिक मात्रा कितना आ जाएगा, 16 लीटर। ठीक है, ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका औसत का क्वेश्चन है, सभी लोग इसको करो, औसत का क्वेश्चन है, सभी लोग इसको करो। सभी लोग 5वां नंबर पढ़ो, कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना, यदि उन सभी 5ों संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लोग इसको पढ़ के ध्यान से करो। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन उसी टाइप से इसको लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा। चलो इसको ध्यान से पढ़ो, कह रहा पहली 4 संख्या, 5वीं संख्या मतलब कुल संख्या मेरा कितना है, 5 संख्या है, मान लो क संख्या है, 5 संख्या है, कौन कौन है इसको मान लो, पहली संख्या क्या माने हम, ए मान लें, बी मान लें, सी मान लो, डी मान लो और ई मान लो। ठीक है, ई हो गया, ए बी सी डी ई, कह रहा है पहली 4 संख्या का औसत, पहली 4 संख्या ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, औसत मतलब कि क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, और कह रहा है, और कह रहा 5वीं संख्या क्या क्या है, 3 गुना है, 5वीं संख्या का 3 गुना है। ठीक है, यहाँ से रेशियो बना लो, इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा कि नहीं, मेरा
ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, जाते हैं यहाँ 12 ई हो गया। यहाँ ऐसे यहाँ एक होता है कि नहीं गुणा में, यहाँ से रेशियो बना लो सभी लोग इसको, सभी लोग इसको रेशियो बना लो, रेशियो बना लो इसको। यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी संबंधे ई, रेशियो कितना हो गया इसका बताए ना, इसके सामने वाला वैल्यू ई हो 12 होगा, इसके सामने का वैल्यू कौन हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। यहाँ तक पूरा रेशियो कितना मिला 12, इसका रेशियो कितना मिला एक। आओ कह रहा है सभी पांचों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 85.8 दिया है। पांचों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 85.8 दिया है। औसत में संख्या का गुणा करते हैं तो मेरा क्या होता है, योगफल होता है। मेरी कितनी संख्या है, 5, 5 गुणा कर दो, ठीक है, ये हो गया बटे अनुपाती योग, बटे क्या कर देंगे, अनुपाती योग, योग कर दें, योग बटे योग, योग का रेशियो, रेशियो कितना है मेरा 12, एक जुड़े कितना गया 13, इसमें पांचवी संख्या पूछ रहा है, पांचवी संख्या गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा सवाल, ठीक है, गुणा कर दो इसका या 13 से काट दो, ठीक है, गुणा कर दो इसका, 8 × 5 = 40 की सुनना हो गया और 4 हासिल हो गया, ठीक है, और 50 × 25 = 25 = 4 = 29 और 2 हो गया हासिल, और 8 × 5 = 40 = 40 = 42 हो गया, ठीक है, यहाँ पॉइंट एक अंक पे लग जाएगा बटे 13। चलिए 429 में 13 का भाग कर दो, ठीक है, 429 में 13 का भाग कर दो, भाग आता है ना सभी लोग को, भाग कर दो, भाग कर दो सभी लोग, ठीक है, नहीं आ रहा तो इसे भाग कर दिया करो, 429 बगल में रफ कॉपी में कर दिया करो, 13 तेरह तिया 39 घटा देंगे कितना, 3 × 13 = 39 ठीक है, कर गया मेरा कितना आया, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 37 बार में कटेगा, इनमें से मेरा विकल्प कितना हो जाएगा, इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर 33, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हो गया है 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, सभी लोग इसको करो, ये भी पढ़ो ध्यान से, छठवां नंबर देखिए, कह रहा है 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविक के औसत भार में एक से ही 1/2 केजी की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 केजी वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, तो उस नए नाविक का भार कितना है, ठीक है, इसको भी ध्यान से करो, ये औसत का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसको शॉर्टकट तरीका से लगाएंगे, शॉर्टकट तरीके से लगाओ इसको सभी लोग, कह रहा है 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों का औसत भार में एक सही 1/2 केजी की वृद्धि हो जाती, क्योंकि 60 केजी वाला एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ रहा है, मतलब जो 60 केजी का है उसमें से एक चला गया एक आ गया, मतलब कि संख्या तो वही है, और यहाँ से देखिए यूरेज क्यों बढ़ा, उसमें करा 60 केजी के स्थान पर एक नया आ रहा है, मतलब उनका यूरेज क्या कर रहा है, औसत बढ़ा रहा है, जो आ रहा है नया वजन का है तभी ना उसका औसत बढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ औसत बढ़ा है मतलब जो आ रहा है ज़्यादा एज का है, ज़्यादा वजन का है, ठीक है, उसी पर लगाना है, ठीक है। सीधा नया नाविक पूछे, नया नाविक पूछ रहा है, ठीक है, नया नाविक पूछ रहा है, नाविक पूछ रहा है भार, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ, क्या करेंगे, जाने वाले व्यक्ति का भार कितना दिया है 60 केजी, ये प्लस लिखो, प्लस और कितना, कह रहा है सभी के औसत में एक सही 1/2 केजी का वृद्धि कर दे रहा है, कह रहा है कि नहीं, कुल मेरा कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 8 लिखो, औसत कितना वृद्धि कर रहा है, एक सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं,
ठीक है, अब इसको काट दो सभी लोग, 2 चौके 8, ये हो गया 60 प्लस 12, जोड़ने कितना जाएगा आपका 72, कितना आ गया मेरा 72। ठीक है, ये नया नाविक जो आ रहा है उनका भार कितना है आपका 72 kg है। ठीक है, जिनमें से मेरा विकल्प कौन हो जाएगा, ये डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा, जैसे बता रहे हैं उसको मेरी आवाज़ को सुन के धीरे 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 समझ के लगाओ, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भी ध्यान से सभी लोग करो। सातवां नंबर देखो, कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन 62 kg है और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है। कह रहा है 60 विद्यार्थी थी, यहाँ से देखिए परसेंटेज ही रखो, परसेंटेज से ही मतलब रखो। ठीक है, यहाँ देखिए एक तरफ लिख दो का, लिख दो का मतलब लड़का, और कितना है लड़की, लड़का कितना है आपका 40% है, तो लड़की कितना होगा 60%, ये हो जाएगा। ये कट रहा, चलो यहाँ से 1 0 0 काट दीजिए, मतलब 4 संबंधे 6 हैं। ठीक है, और लड़कों का औसत वजन कितना दिया है आपका 62, और लड़कियों का कितना दिया है 55, ये दिया। ठीक है, हमेशा छोटा नंबर वाला लिया करो, 55 लो, इससे ये कितना ज़्यादा लेके बैठा है, कितना लिख बैठा है 7। ठीक है, 7 हो गया, प्लस 7 कितने लोग हैं इस पे, कितने लोग हैं 4 लोग हैं, 4 लिख दो, बटे कितना लिखेंगे कुल संख्या, कुल संख्या मेरा कितना है 10, 10 लिख। ठीक है, आ जाएगा 55 प्लस 7 चौका 28 हो गया, बटे 10, दाएं से क्या करेंगे एक अंक में पॉइंट लगा दो, 55 प्लस कितना हो जाएगा 2.8, जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका 57.8 हो जाएगा। ठीक है, 57.8 हो जाएगा, इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग इसको करो। चलिए ये आपका प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, तभी ले इसको ध्यान से पढ़ो समझो तभी लगाओ इसको। ठीक है, चलिए चलिए आपके साथ, हम आपके साथ भी लगा रहे हैं, आप हमारे साथ भी लगाइए, ध्यान से पढ़ो। करा ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता है, तो बी का कितना लाभ हुआ, ये कहा है। ठीक है, ध्यान से करो आगे, ये समझो कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। ये आगे ये कंफर्म कर लो, ए ने कितने को खरीदा था, ये कंफर्म कर लो, ए ने ए के लिए क्रय मूल्य निकाल लो। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल गुणे 100, 100 बटा 100 माइनस हानि, इसी पर रख दो आप। ठीक है, विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया है 4800 रुपया दिया है कि नहीं, 4800 लिख दो गुणे 100 लिख दो, बटे 100 में से 20 घटा दो, कितना हानि हो रहा है 20, 100 में से 20 घटाएं कितना आ जाएगा आपका 80, यहाँ 8 1 0 0 काट दो, 8 6 के 48, मतलब वो कितने खरीदा था 6000 रुपया, ए ने 6000 रुपये खरीदा था, और बी को बेचा कितने, बी ने उसे कितने का खरीदा था, बी ने कितने का क्रय किया था, ए से कितने का क्रय किया था 4800 रुपया का। ठीक है, और कह रहा है कि बी सी को इतनी कीमत पर बेचे कि ए को 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, ए को 15% का लाभ हो, सी
ठीक है, ए को के 15% का लाभ हो, सी को कितने के बेच रहा है, सी को कितने के बेच रहा है ये कंफर्म कर लो, सी को कितने के बेचा है। ए ने देखिए कितने के बेचे कि यहाँ देखिए ए ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा, मतलब कि 6,000 रुपये है आपका, 6,000 रुपया दिया है, ए को लाभ मिले कितना, 15%, 15% लाभ पर बेच दो, ठीक है, 15% लाभ पर बेचेंगे, 115/100 बेच दो, ठीक है, इसको बेचेंगे कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणा कर दो, 0 हो गया, और इसका गुणा कर दो, 6 5 30 की सुन्ना हो गया हासिल 3 11 6 66 और 3 69, कितने के बेचा इसको, 6900 के बेचा, ठीक हो, ये सी को बेचा ऐसे समझो। तो वह बी ने कितने के खरीदा था, 4800 खरीदा था, 6900 का बेचा, तो यहाँ लाभ मिला, लाभ कितने का मिला घटा दो, ठीक है, जैसे घटा दो 6900 रुपया में से 4800 रुपया घटा दो, नहीं घटाने आ रहा था ऐसे लिख के घटा दिया करो, ठीक है, ये ना एक मुझवाने लगाए कि गलती हो जाए परीक्षा में, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, मतलब कितने का लाभ मिला हमको, अंतर कितने का आ गया आपका, 2100 का अंतर आ गया, ठीक है, मतलब उसको लाभ कितने का मिला, एक सॉरी बी को कितना मिला, 2100 का लाभ मिला, ठीक है, लाभ कितने का मिला, 2100 का, यहाँ बी को लाभ, बी का लाभ पूछा है, बी का लाभ, बी का लाभ कितना हुआ मेरा, ठीक है, कितने का मिला, 2100 का, ठीक है, देखिए 2100 रुपया का लाभ मिला, यहाँ 4800 खरीदा था, 6900 का बेचा, तो लाभ कितने का मिला, 2100 का, ठीक है, जिनमें से मेरा विकल्प कोई दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ये 3 नंबर, ठीक है, ये हो गया आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोग उसको ध्यान से करो, ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करो, इसको 10वां नंबर, कह रहा है 20%, 10% और 15% क्रमिक छूट है, किस एक का छूट के समतुल्य है, ठीक है, इसके एक का छूट के समतुल्य है, ठीक है, ये पूछा है, चलो इसको लगाओ सभी लोग, हम देखिए एक एक चीज बताए हैं ऑफलाइन बैच में, ठीक है, देखिए 10% डिस्काउंट आ गया, उसमें जिनके अंकों का सम डिजिट 10 होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक बार तो विकल्प देख लो आगे, उसको देख के हल्के बताओ हमको, देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 5 4 9 9 3 12, 12 अंक जोड़ेंगे इसका कितना जाएगा, 3 आ रहा, ये तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है, इसको जोड़ो 5 4 9, इसका जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, इसको जोड़ो 8 9 16 17 18 19, 19 का अंक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1, तो जोड़ो 4 2 6 1 7, इसका 7 आ रहा है, मेरा 1 आए या 10 आए यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, इससे सरल तरीका नहीं है आपके लिए, सिर्फ 10 के लिए दिया है, ठीक है, अब नहीं आ रहा इसको विधिवती विधि बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है, चलिए इसका समतुल्य बट्टा एक्स प्लस वाई भी लगा सकते हैं, 100 में से घटा एक भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई पे लगाओ, बट्टा हमेशा माइनस में होता है, ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है, सक्सेसिव स्वर लगा दीजिए, ठीक है, यस का मान कितना दिया है आपका, -20 -10, ठीक है, अब इस पे लगाओ प्लस माइनस, माइनस का गुणा क्या होता है आपका, प्लस होता है, प्लस 20 × 10/100, इसको हल कर दो, ये कितना आ गया, -30 +2 घटाएं कितना आ गया आपका, -28 आ गया, अब कौन बाकी है, ये 15 वाला, -28 माइनस इसके साथ ये ले चलो -15, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 28 × 15/100, ठीक है, इसको काट दो, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 से काटेंगे ये 20 बार, ये 2 से काट दो 14, ठीक है, कितना, 8 5 13, 2 1 3 1 4, -43 प्लस 14 3 42, ये हो जाएगा, प्लस माइनस इसको घटा दो, ठीक है, घटा देंगे कितना जाएगा आपका, 38.8 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 38.8% के एकल छूट के बराबर होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसको, कह रहा कि 4,000 रुपये पर 65 रुपये प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान से करो, बहुत सरल तरीका है इसका। इस पे किस पे लगाएंगे आपका, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, इसी पर लगाना है हमको। ठीक है, मूलधन कितना दिया है आपका, 4,000 रुपये लिख दो। ब्याज की दर कितना दिया है आपका, ब्याज की दर कितना दिया है आपका, 65 रुपये प्रति हजार। मतलब ये जो ये फार्मूला लिखा है ये आपका 100 पर लिखा है, मतलब 1 रुपये प्रति 100, मतलब 2%, 10% हमेशा 100 पे, और यहाँ दिया 1,000 पे, हम 1,000 पे लिख चलेंगे। 65 लिखेंगे तो नीचे हम 1,000 लिखेंगे। ठीक है, ये 1,000 लिखेंगे। ठीक है, और 2 वर्ष का रहा था, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट दो सभी लोग, 000 काट दो। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, 65 दूना कितना होता है, 65 दूना कितना होता है, 130, 13 चौका 52, कितना हो जाएगा ब्याज मेरा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कितना हो जाएगा आपका, 520 रुपया। विकल्प दिखाई दिया आपको, हाँ ये है आपका आंसर। ये नहीं कि टिंट मैच कर रहा है, 52 52 देवा उसको भी उड़ा दें। ठीक है, आगे लगाओ, ये 1,000 पे दिया, ये नहीं कि 100 पे लगाएं, 100 पे लगाएं सवाल तुरंत गलती हो जाएगा। ठीक है, तब तो वहीं आ जाएगा 5200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 11वां नंबर। ठीक है, कह रहा है एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्र, अर्धवार्षिक मतलब कि 6 6 महीना का ब्याज है आपका 20%। ठीक है, ब्याज की पेशकश करता है, एक ग्राहक 1 वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रमशः, ये 2800 लिखना। ठीक है, यहाँ 2800 है, 2800 रुपये। ठीक है, ये कितना है आपका, यहाँ लिख लो 2800 रुपया है, 280 दिखा रहा है वो 2800 रुपया है। ठीक है, 2800 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। ठीक है, सभी लोग इसको लगाओ, ऑफलाइन बैच में इसको बता चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, सभी शॉर्टकट तरीके से बताएं, सब लोग लगाओ इसको। ठीक है, ब्याज की दर कितना है आपका, 20% अर्धवार्षिक है, ये नहीं कि इसको 20% वार्षिक करके लगाएं, 20% दिया, ये नहीं कि 10 कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा कि पहले 1 जनवरी को जमा किया। ठीक है, फिर कितना जमा कर रहा है, 1 जुलाई को, और तो यह 31 मतलब 31 31 दिसंबर को वह धनराशि कितनी हो जाएगी, ये कह रहा उसके अकाउंट में। तो यहाँ भी जमा किया कितना, 2800 रुपया जमा किया, फिर यहाँ 2800 रुपया जमा किया। ठीक है, और यहाँ ब्याज की दर यहाँ कितना दिया है, यहाँ तक कितना है आपका, 20% है। ठीक है, फिर यहाँ फिर 20% हो जाएगा आपके। ठीक है, जो 2800 रुपया जमा किया है, 1 वर्ष में 20% 20% दो ठीक मिल रहा है, इसको सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, ब्याज पे ब्याज मिला है कि नहीं, तो इसको एक्स प्लस वाई पर रखेंगे, तो यहाँ सीधा यहाँ जो धनराशि, मान लीजिए ये यही धनराशि है, ये यहाँ से यहाँ तक धनराशि अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके कितना, जब एक्स एक्स प्लस वाई से रखेंगे तो कितना जाएगा आपके, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, सब याद कर रहेगा तभी आप स्पीड से लगा सकते हैं, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, हल कहीं बता दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 44%। ठीक है, यहाँ से 1 वर्ष में कितना मिला आपको, 44% मिल गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना मिला आपको, 20%। ठीक है, प्लस 20 और जोड़ दो, कितना मिला आपका, कितना हो जाएगा आपका, 64% ब्याज मिलेगा। धनराशि मेरा कितना है, सीधा 2800 रुपया, 2800 रुपया पर 64% का ब्याज निकाल लो सभी लोग, 2 जीरो काट दो। ठीक है, 8 चौका 32, लास्ट में कितना आ रहा है, इसको गुणा कर दो, 6 दुना 12 है, गुणा कर दो सब कर, 2832, 28 और 64 में, 28 64 में गुणा कर दो, गुणा कर देंगे आपका 8 चौका 32, लास्ट में तो यही आ रहा है, यही हो जाएगा।
7 2 9 1 2 मतलब यही हो जाएगा। पूरा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1792 रुपया, ये ब्याज मिलेगा आपका। ठीक है, कितना मिलेगा ब्याज? 1792 रुपया। इनमें से मेरा विकल्प कौन दिखाई दे रहा है आपका? 1792 रुपया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं सभी लोग? नहीं समझ में आया कमेंट में बताना। ठीक है, समझ में आ गया तो यस सर हाथ इसे उठा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारहवा नंबर, ठीक है, ये भी आपको अच्छा क्वेश्चन है। क्रमागत कर रहा है, कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रम से 20, 30, 60 दिन में कर सकते। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? मदद किया जाए, किया जाए, ये कहा। ठीक है, आगे क्या करेंगे? सभी को एलसीएम लेंगे। ठीक है, ए है, बी है, सी है। ए का दिनांक कर रहा है आपके 20 दिन में, बी का दिनांक कर रहा है 30 दिन में, सी का दिनांक कर रहा है 60 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? 60, 20 या 60, 30 गुना 60, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी से और इससे ही मतलब होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हाँ, ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद किया जाए। ठीक है, पहले दिन ए किया, अगले दिन फिर ए किया, और अगले दिन क्या करा है? बी और सी उसकी मदद हर तीसरे दिन कर रहा है। ए तो करेगा ही, बी और सी हर तीसरे दिन उसका क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1 दिन। सबको जोड़ो, एक कितना किया? 3, 1 दिन किया, फिर अगले दिन 3 यूनिट, 1 दिन किया, तीनों एक साथ हो गया 3 2 5 1 6, 6 यूनिट का हो गया 1 दिन, 6 3 9 9 कितना हो गया ये आपका? 12 यूनिट 3 दिन हुआ कि नहीं? 12 यूनिट 3 दिना, ये देखो 12 यूनिट 3 दिन का, तो 60 यूनिट करने में 12 5 60 मतलब 5 गुना हो रहा है, तो दिन का भी 5 गुना कर दो। कितना? 5 गुना कर दो, दिन का भी 5 गुना कर दो, दिन का भी 5 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 3 15 दिन। कितने दिन में समाप्त होगा आपका वह कार? 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरा कार 15 दिन ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ गया है चोरवा वाला क्वेश्चन, पुलिस और चोर का। फ्यूचर में आप लोग भी पुलिस बनेंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग पुलिस में फ्यूचर बनेंगे। ठीक है, अब चोर को पकड़ना है। ठीक है, उसका स्पीड क्या हो, सब लोग उसको लगाओ। ठीक है, तभी आप बन सकते हैं पुलिस। ठीक है, चलिए लगाओ इसको क्वेश्चन। सभी लोग लगाओ इसको। कह रहा है एक चोर, एक चोर, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 10 किमी प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 18 किमी प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी चोर को पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। मतलब चोर कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, चलो देखिए एक सार्थक तरीका बता रहे हैं। पुलिस की चाल कितना दिया है आपका? ठीक है, पुलिस लिख दो एक तरफ, हम क्या लिख दे, हम चोर लिख। ठीक है, पुलिस कर्मी की गति कितना है? 18 किमी प्रति घंटा, और इसकी कितना है? 10 है। ठीक है, और
ये देखिए ये 18 है और ये 10 है, इसमें डिफरेंस कितना, देखिए चाल का रेशियो और दूरी का रेशियो सेम होता है, ठीक है। इसमें अंतर कितने का आ रहा है आपका, 8 का आ रहा है। और चोर कितना आगे है आपका, कितना आ गया, कितना आ गया, 500 मीटर। 500 मीटर ये किसके बराबर है, 500 मीटर ये किसके बराबर है, ये आपके 8 के। और जो पूछे या चोर का पूछ रहा है तो चोर के गुणा कर दो, चोर कितना है ये, ठीक है। अब इसी काट दो, 8 से काटेंगे ये कितनी बार में, 125 का गुणा कर दो, 12 5 60, 600, और ये 25 कितना हो जाएगा, 700। हाँ ये हो जाएगा आपका 625, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 625 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा, चोर कब कहाँ तक पकड़ेगा, सीधा 625 मीटर दूरी आगे चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट का तरीका है। यहाँ से सीधा रेशियो बनाओ, पुलिस के चाल कितना है 18 है, और चोर के चाल कितना है 10, और करा 500 मीटर आगे है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 8। 8 किसके बराबर है, 500 के, जिसका पूछे उसका गुणा कर दो। पुलिस के पूछेगा, पुलिस द्वारा चले गए दूरी, तो पुलिस का गुणा कर देंगे, ठीक है। आंसर सीधा कितना आ जाएगा मेरा, 650, 625 मीटर दूरी पर इसको पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चन क्षेत्रफल से, ठीक है। कह रहा है एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। सभी लोग लगाकर बताओ इसको, सभी लोग लगाकर बताओ इसको। पहिया का, पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है कि नहीं। जितना पहिया साइकिल का पहिया घूमेगा उतना दूरी जाएगा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो, साइकिल पहिया ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या है आपका, वृत्त की परिधि। परिधि अब घूमेगा ना कि क्षेत्रफल घूमेगा, परिधि पर ऐसे घूमेगा, पहिया ऐसे खोल देंगे तो लंबाई बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है आपका, चक्कर, चक्कर गुणे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब इसी पर आप इसको लगा दीजिए, ठीक है, इसी पर लगा दीजिए। दूरी कितना जा रहा है आपका, 440 मीटर गया, कितना चक्कर मार रहा है, 1000, ये लिख दो। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर यही पूछा है, ठीक है, ये पूछा है आर, मतलब 2 आर पूछा है, ये 2 आर, ठीक है। इसको लिख दो, 440 बराबर 1000, वृत्त परिधि यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 पाई आर होता है, ठीक है। और गुड़े ये देखिए 2 आर पूछा, मतलब व्यास पूछा है, और गुड़े 22/7 ये, ठीक है। यहाँ से ये कटेगा, ये यहाँ से कटा, चलो तो इसको नीचे लिख दो, 444 गुड़े 7 44 7 बटे क्या हो जाएगा आपका, 22। ये 2 आर पूछा है, 2 आर क्या होता है आपका, व्यास होता है, 22 दुना 44 7 दुना 14, कितना आ गया व्यास मेरा, 14। उस पहिए का व्यास, ठीक है, 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास कितने मीटर है, ठीक है। 440 बराबर 1000 चक्कर गुणे 2 22/7, 0 कट गया, ये आप करेंगे, फिर से लिख लो इसको, 44 7 बटे 14 तो रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा, गुणे 22, 22 दूना 44, कितना
कितना हो गया, 7 × 14 / 100। 100 दिया है तो क्या करेंगे, दाएं से दो अंक में क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0.14 मीटर। ठीक है, ये हो जाए, जिनमें से मेरा विकल्प ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो सभी लोग, और अपने ग्रुपों में शेयर करो। ठीक है, ऐसे ही सवाल बताएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर। कह रहा है एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किमी की दूरी तय करती है, यदि उसकी गति 5 किमी प्रति घंटा कम हो जाए तो 22 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सभी लोग इसको लगाओ, चाल समय और दूरी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किमी की दूरी तय करता है, तो इसकी गति 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दें, कम हो जाए तो 22 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। उसकी आगे क्या करेंगे, चाल निकालेंगे की चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय होता है कि नहीं। दूरी मेरा कितना दिया है, 12 किमी, किस कितना समय ले रहा, 12 मिनट, तो 60 मिनट में कितना जाएगा। ठीक है, 60 किमी प्रति घंटा हो गया उसकी चाल। ठीक है, और न्यू चाल कितना हो जाएगा, इसका न्यू चाल कितना हो जाएगा। कह रहा है कि 60 किमी प्रति घंटा था, उसमें से 5 किमी प्रति घंटा कम कर दें, कितना हो जाएगा आपका, 55 किमी प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है उसे 22 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 22 किमी की दूरी तय करना है। तो मेरा कह रहा कि तो समय बराबर मेरा क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं, तो उसका कितना 22 किमी है दूरी, और चाल कितना दिया है 55। ठीक है, और चलो इसको काटो, समय आ गया आएगा आपका, सभी लोग इसको काट दो सभी लोग, 11 से काट दें, 11 × 22, 11 × 5 = 55, कितना आ गया, 2/5 आवर्स हो गया, ये घंटा है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है मिनट में, मिनट में बनाने के लिए, देखिए बड़ा से हमको छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/5 × कितना हो जाएगा आपका, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है कि नहीं। 5 से काट दो 12, ठीक है, 12 × 12 = 60, और कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, 12 × 24, 12 × 24 कितना हो जाएगा, 12 × 24, 24। ठीक है, 24 ये हो, ठीक है ये हो जाएगा आपके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए हम होमवर्क SEW दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लगा करके कमेंट के माध्यम से हमको आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर देंगे, कितना आएगा आंसर। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में हम आपको लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके परीक्षा में उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नमस्कार, इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।